रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 26 अगस्त सन 2022 और दिन है जुमा का। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत जो बनी हुई है, जो चीज़ें भी होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं, लेकिन फिर भी जो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे अज़ला मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ पर जो इस वक्त सैलाब है, सैलाब की वजह से बहुत सारे जो घर हैं वो गिर चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वफात वाकया हो चुकी है। इन्हें अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो सैलाब की मुसीबत है उसको ख़त्म करे और जिनके भी नुकसान हुए अल्लाह ताला उनकी गैब से जो है वो मदद फरमाए, और जो भी इस वक्त जिनके घर टूट चुके हैं, जो कुछ भी जिनका नुकसान हुआ है, तो अल्लाह ताला उनकी भी गैब से मदद फरमाए ताकि वो अपनी लाइन पर वापस आ सकें। तो इसके साथ ही एक दूसरी न्यूज़ के आज ओमान के अंदर एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया, एक ड्राइवर को। वो ओवर स्पीडिंग यानी जो गाड़ी की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से वो चला रहा था गाड़ी, तो उसको गिरफ़्तार किया गया। उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से की गई, क्योंकि एक तो ख़ुद की जान भी ख़तरे में डाल रहा था और साथ में जो दूसरे हैं उनकी जान भी ख़तरे में डाल रहा था। तो इस वक्त जो सैलाब है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके हवाले से आप भी दुआ ज़रूर कीजिएगा ये मुसीबत जल्द से जो जल्द है वो ख़त्म हो। तो अल्लाह ताला खैर करे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।